हेलो एवरीवन, हाय गाइस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीए फाउंडेशन का जो एग्जामिनेशन है उसको होकर आई थिंक काफी टाइम हो गया। नाउ अभी मस्ती वस्ती जो भी थी शायद से आपने वो भी कर ली होगी। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि आगे सीए इंटर को कैसे क्रैक करें। एक अच्छा प्लान, अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। बच्चों के हमें SMS आते हैं, कॉल आते हैं, सर अब क्या करें, क्योंकि अभी तक तो ये भी नहीं पता हमारा रिजल्ट आने वाला कब है। राइट। क्या सर आपको पता है रिजल्ट कब आने वाला है? तो दोस्तों, अभी तक कोई खुलासा ICAI की ओर से नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो हम लोग काफी टाइम सेव कर सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि हम आपको कुछ गाइडेंस दे सके। जिन लोग का भी CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन अभी अभी खत्म हुआ है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर इसको एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए कि क्लासेस का क्या होगा और कितना टाइम आपके पास है, कैसी प्लानिंग होना चाहिए ताकि हम लोग स्ट्रैटेजिकली सी इंटर का जो एग्जामिनेशन है उसको भी अच्छे से क्रैक करें। आज हमारे बीच में अर्षद सर है, अर्षद सर भी आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे। अर्षद, यस। सो दोस्तों, जैसे आप लोगों की एग्जाम्स खत्म हुई सीए फाउंडेशन की, और इस बारी बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर एग्जाम बहुत अच्छे गए हैं और पास होने की बहुत अच्छी उम्मीद है। तो इसीलिए जैसे सर ने अभी कहा कि अब आपको एंजॉयमेंट हो चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहला जो हम लोग आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन देंगे कि सर व्हेन आर वी सपोज टू स्टार्ट विद सीए इंटरमीडिएट, सो द आंसर इज नाउ। अगर आपको लगता है कि आप 100% पास होने वाले हो तो आप अभी से प्री रिकॉर्डेड मोड पे GDPD में आपका डिसीजन हो चुका है कि हमको GDPD में ही पढ़ना है, प्री रिकॉर्डेड में ही पढ़ना है। तो आप अभी से ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों आप बाय कर लो। दोनों ग्रुप पे आपको कॉम्बो का भी अच्छा आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपका टाइम भी अच्छा खासा सेव होगा और आप अच्छे टाइम में पूरा प्रिपरेशन करके रिविजन के लिए भी आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा। नहीं क्या, और क्या होता है बच्चों की अभी जो आज की तारीख 8 तारीख है, 8-9 तारीख जो भी है, और अभी रिजल्ट और अगला नया बैच स्टार्ट होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त है। और यदि आपको लगता है कि फेयरली चांसेस से आप पास हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस आप हो सकता है, जहाँ पे आप जो हमारे रिसेंट बैचेस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसके बारे में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल गर्मा गर्म लेटेस्ट लेक्चर आपके सामने है जो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो हम लोग सभी को यही सुझाव देंगे, भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज 9 महीने ही आपको सिर्फ मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे आपको क्लासेस भी करना होती है और सेल्फ स्टडी भी करना होती है। तो अगर आपको इतना, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली उन रिकॉर्डेड लेक्चर जो अभी उपलब्ध है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के फॉर्मेट में जाके उसको सब्सक्राइब करें और स्टार्ट वॉचिंग द लेक्चर्स सो दैट यू कैन सेव टाइम, और ताकि अगर आपकी जो पढ़ाई है जल्दी से खत्म हो गई, इट विल गेट इनफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ये हमारे लिए, हमारी ओर से आपको मिलने वाली पहली स्ट्रैटेजी है। अब दूसरी बात है कि सर हम लोग इंटर के बारे में जानना चाहते हैं, इंटर की चीज क्या है, मतलब क्या आइटम क्या है इंटर, मतलब कि सीए फाउंडेशन हमने देख लिया तो क्या इंटर उससे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आसान है? तो ये जानने के लिए हर्षद सर आपको बताएंगे। हमने आपको प्री रिजल्ट बैच के लिए भी आज यहाँ पे अनाउंस करेंगे, हम लोग प्री रिजल्ट बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कुछ करेंगे, क्या आपको फायदा होगा, हर्षद सर बताइए। यस। सो देखो दोस्तों, जैसे अब आपको लाइव पढ़ना है, लाइव का एक्सपीरियंस कैसा होता है तो ये सब आपको समझना है, और साथ ही साथ CA इंटरमीडिएट में आपका लेवल कैसे बढ़ता है। तो इससे वी आर स्टार्टिंग विद प्री रिजल्ट बैच ऑन 14th of October जी, जिसमें ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आप FMSM, कॉस्टिंग और ऑडिट, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता चलने के लिए कि ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आप उससे वाकिफ हो जाए, तो उसके लिए आपके एक एक जो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं वो भी अल्टरनेटिवली वो भी आपके चलेंगे। तो इससे ओवरऑल आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा, सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, कैसे क्लासेस इंटरैक्टिव होती है, ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आएगा। ये लेक्चर्स अपने चैनल स्वप्निल पटनी क्लासेस पे लाइव होंगे रोजाना फ्रॉम 14th of October। इसके बारे में सर आप और आगे बताएंगे? जरूर। और इस बैच के लिए आपको कुछ रिस्क लेने की बात नहीं, आपका टाइम तो सेव होता ही है, और इसकी फीस नाम मात्र 1 रुपीज लगी गई है। इस वीडियो के ठीक नीचे आपको उसकी लिंक लगी, जस्ट हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, आपको बस उसको रजिस्टर करना है, फीस तो आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। और ये बैच को रजिस्टर करने से मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छा एक आइडिया आ जाती है कि लगभग सीए इंटर में किस टाइप का सिलेबस होता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना सीरियसनेस होना चाहिए। मुझे लगता है जब हमारी जब मेन बैचेस जब चालू होती है इसका बहुत हेल्प मिलता है, एक बूस्ट मिल जाता है और एक माइंडसेट पता हो जाता है डे 1 से ही, वरना बच्चा पहले 1-2 वीक में यही डिसाइड करता है कि कैसे होगा क्या होगा। आई थिंक ये एक बैच करने से वो बहुत
माइंडसेट प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों का. आई थिंक सो दैट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप नेक्स्ट जर्नी के लिए काफी अच्छा रेडी हो जाते हो और आपको भी एक लगेगा कि हाँ कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है. और आपको नए से जब आपको पढ़ना है फिर आप रेगुलर क्लास में आओगे तो और आपको चीजें जल्दी से आपको ग्रास्प होगी. करना ही क्या है ना, चार घंटे की बात है जिसमें हर्षद सर दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग और ऑडिट. मैं आपको एफएमएसएम पढ़ाऊंगा और ग्रुप वन के सब्जेक्ट रोज एक ही चलता रहेगा अलग से. तो चार घंटे की तो बात है, चार घंटे में यू विल हैव इनफ आइडिया. और हम लोग क्या 27 तारीख तक दिवाली की छुट्टियां देंगे तो 27 तक यानी कि दो हफ्ते की बात है जहाँ पे आप ये रिजल्ट करोगे. फिर दिवाली के बाद में वापस रिज्यूम करेंगे. वो कब रिज्यूम करेंगे आपको बताएंगे. अब एक बात हर्षद, यहाँ पे एक बात है कि हम लोग का अगर सीए फाउंडेशन हुआ है तो सर जो नई बैचेस है, जो आप रेगुलर बैचेस होती है, वो कब चालू होती है, क्या होता है उसका जनरली क्या होता है? हाँ, तो जनरली सर कैसा है, जैसे कि रिजल्ट आ जाता है तो बच्चों को एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है रिजल्ट आने के बाद. पुणे आना है फेस टू फेस के लिए गुरुकुल में, या आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, तो पूरे चीज़ें सेटल होने के लिए रिजल्ट से सर एक 7 से 8 दिन के बाद हम लोग अपना रेगुलर क्लास जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं. जी जी. और इस बारी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सर स्टार्ट करने वाले फ्रॉम ग्रुप टू. राइट. इस बार ऐसा हो रहा है, मौजूदा जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंडिया में जो आईसीएल ने करा है वो 3 अटेम्प्ट किए हैं. उसके चक्कर में इस बार ऐसा होगा, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, ओपनिंग बैट्समैन हम दोनों हैं, जहाँ पे हम लोग ग्रुप टू के साथ शुरुआत करेंगे. और पहले ग्रुप टू करेंगे और फिर ग्रुप वन करेंगे. अब सवाल उठा सर ग्रुप टू से करें तो समझ में आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप वन ग्रुप टू कम्प्लीटली डिसजॉइंट है, कोई संबंध आपस में नहीं है. आप ग्रुप टू से स्टार्ट करके ग्रुप वन कर सकते हो, ग्रुप वन से स्टार्ट करके ग्रुप टू कर सकते हो. अब हमारा जो अगला बैच आएगा वो ग्रुप वन से ओपनिंग बैटिंग होगी, फिर उसके बाद में जो अगला बैच आएगा फिर वो ग्रुप टू से होगा. तो ये तो 3 अटेम्प्ट की वजह से आई थिंक यही सिलसिला जारी होगा और इसके बाद में. यस. और दोस्तों इसमें भी आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं. जैसे आपको मैं बता दूं कि ग्रुप टू का जो सब्जेक्ट है जैसे कि कॉस्टिंग, पहले तो वो ग्रुप वन नहीं था, अब हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे तो आपसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बिल्कुल. उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब सीए आईपीसीसी हुआ करता था तो एफएम भी ये ग्रुप वन नहीं हुआ करता था. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसका कोई भी सब्जेक्ट से रिलेशन नहीं है, ये पूरा बिजनेस से रिलेटेड है. तो आपको पूरा स्वप्निल सर उसको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे. और उसके बाद ऑडिट की बात रही तो ऑडिट में भी अभी जो लॉ वाला जो पोर्शन होता है जो हम लोग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन लॉ में पढ़ते हैं तो वो भी अभी ऑडिट में है नहीं. तो इंडिपेंडेंट कर दिया है इंस्टीट्यूट ने पूरे ग्रुप वन और ग्रुप टू को. तो आपको निश्चिंत होना है, बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि सर अगर हम लोग ग्रुप टू से स्टार्ट करें तो हमें समझ में आएगा क्या. आप बिल्कुल भी उसका स्ट्रेस ना ले. और मन में अगर ये जरा भी कोई भी डाउट है तो आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था 14th अक्टूबर से जो प्री रिजल्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसे ज्वाइन कीजिए. तो इससे आपको और आइडिया होगा, काफी अच्छे से आप रूबरू होंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको फिर एक्साइटमेंट रहेगी कि यस और हम लोग लाइव पढ़ेंगे. और मुझे लगता है ना कि सिर्फ एसपीसी बल्कि इंडिया के मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस अब इस बार ग्रुप टू से शुरुआत करेंगे बिकॉज आईसीएआई ने अपने एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया और उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है यही फैसला सभी का होना चाहिए. और एग्जैक्टली डेट कौन सी होती है, तो आप मान लीजिए अगर रिजल्ट आप जिस दिन भी आता है, अगर पोस्ट दिवाली रिजल्ट आने की उम्मीद है, जैसे ही दिवाली के बाद रिजल्ट आएगा उसके बाद में ज़रूर आपको हम लोग इमिडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे वो कौन सा डेट होगा. आप मान के चलिए 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हम लोग नई बैचेस की शुरुआत कर देते हैं. आपका अटेम्प्ट जो होगा, इनका रिजल्ट जब आएगा तो आई थिंक इनका अटेम्प्ट मई रहेगा या इनका अटेम्प्ट सितंबर रहेगा. इनका अटेम्प्ट जो रहेगा सितंबर है. सितंबर है तो आई थिंक यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, नथिंग टू वरी अबाउट. बाकी हमारी ओर से आज उतना ही है जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है. इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करेगा बिकॉज जितने भी बच्चे जो फाउंडेशन के हैं उन सभी के लिए ये सारी जानकारी मिलना बेहद बेहद ज़रूरी है. और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपको फेयरली चांसेस लगते हैं आपके पास होने के तो आप ज़रूर ज़रूर इमिडिएटली सब्सक्राइब करेगा. वैसे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लेक्चर्स ले लिए और यदि मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा, आपको टेंशन की कोई भी बात नहीं है. ये लेक्चर्स जो है हम उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करके आपको अगले अटेम्प्ट तक करवा सकते हैं. ये सभी लोग जो बहुत स्मार्ट प्लान करना चाहते हैं उनके लिए बचाव में, उनके लिए ये जो टाइम सेविंग में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है. और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों, मतलब जितने भी रैंकर्स हैं दे हैव स्टार्टेड अर्ली एंड दे हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक.
एस्पेक्ट से। तो आपने ये चीज को ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट ये कि हम लोग कोई ऑर्डिनरी सुझाव दे रहे हैं, दिस इज द रैंकर्स वे ऑफ स्टडी, राइट। सो मेक श्योर कि आप इस स्टडी टेक्निक को फॉलो करें और आप अच्छा खासा टाइम अपने लिए सेव करें फॉर रिविजन्स, एंड फिर आप देखो आपका इंटर भी बहुत अच्छे से जर्नी क्लियर हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको 14 तक भी वेट नहीं करना, आप जाना है तो कि भाई अभी से सर मुझे बता दो, तो मैं इस वीडियो के नीचे वो भी लिंक दे रहा हूँ, ठीक, इसके प्रीवियस बैच जो हमारे अभी स्टार्ट हुए ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की, उनके जो डेमो लेक्चर्स आप जानते हो एसपीसी के सारे डेमो लेक्चर 10 से 12 लेक्चर्स यूट्यूब पे हर बैच के लिए जाते हैं, तो वो सारे लेक्चर्स की जो लिंक है, उनका जो प्लेलिस्ट है, उसकी भी लिंक को मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा क्लियरली होना जरूरी है इस बात का भी कि सी इंटर कैसा है और इस बात का भी एसपीसी की फैकल्टी क्यों सबसे अलग है, इन सब की जानकारी आपको वहां से मिलेगी। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया कि आपके लिए खास ऑफर भी, इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट पासिंग दिस अटेम्प्ट, यू जस्ट हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड बाय पेइंग ओनली 5000, एंड इफ यू पे 5000 राइट नाउ for C intermediate, you are going to get a discount or scholarship of 5000 rupees. मैंने 5000 रुपए भर के आपको 5000 रुपए का आपको एक discount scholarship भी मिलता है, ताकि आप आपका saving C intermediate में कर सके. Yes guys, thank you so much for watching this video. I hope you have understood. आपको सारा knowledge मिल गया होगा, right? Yes sir. Yes. All the best guys. Thank you so much everyone. Take care. Bye bye.